तो हमने पिछली क्लासेस में मार्केट फेलियर के ऊपर जो डिस्कशन की थी वो ये की थी कि मार्केट फेलियर क्या है। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट फेलियर इज व्हेन मार्केट्स फेल टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली फ्रॉम द सोसाइटीज पर्सपेक्टिव। सो ये मत कहना कि हर रिसोर्स एलोकेशन जो इनएफिशिएंट होती है वो मार्केट फेलियर है। मिसाल के तौर पर अभी बड़ा डिबेट चल रहा है कि जी लाहौर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इन्होंने वो बनाई है, वो बड़ी न्यूज़ में आ रहा है ना, अरबों रुपये उस पर लगाए हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के ऊपर, और ये पैसा जो है इतने अरबों रुपए आप स्कूल के ऊपर खर्च कर लेते, एजुकेशन पे खर्च कर लेते, तो पीपल आर क्लेमिंग कि ये बड़ा एक इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स है। दिस इज़ नॉट मार्केट फेलियर, बिकॉज यहाँ पे सोसाइटी का इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे। मार्केट फेलियर कब होता है? जब सोसाइटी के ऊपर एक अनडिजायरेबल इम्पैक्ट आता है, दैट इज़ वेयर वी से कि मार्केट्स आर फेलिंग टू एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। जब तक सोसाइटी की बात नहीं आएगी तब तक आप उसको मार्केट फेलियर क्लेम मत करना। सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो मार्केट फेलियर है, वरना वो मार्केट फेलियर नहीं है। इस बात को समझ लेना। पहला मार्केट फेलियर हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, क्या है? हमने डिस्कस किया था कि मार्केट फेलियर, हमने कहा था रिसोर्सेज विल ओनली बी एम्प्लॉयड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो हम रखेंगे। निव्यान की मुझे जरूरत है, ये मेरे लिए काम का बंदा है, तो मैं इसको पैसे दूंगा और इससे इसकी स्किल्स हायर करूंगा। काम का बंदा नहीं है, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचूंगा इस बारे में, ठीक है जी? क्यों? क्योंकि मैंने कमाना है, मैंने अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना है। आई एम अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, सो एंड बिकॉज आई हैव अ सेल्फिश मोटिव, एंड द सेल्फिश मोटिव इज दैट आई वांट टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट, सो आई विल नॉट इवन थिंक फॉर एन इंस्टेंट बिफोर फायरिंग हिम, ठीक है जी? तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि ऑब्वियसली बात है, फ्रॉम द सोसाइटीज पर्सपेक्टिव इट इज गोइंग टू रिजल्ट दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड और दिस काइंड ऑफ एन एक्ट बाय द प्राइवेट सेक्टर विल रिजल्ट इनटू अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब लॉसेस एंड डेफिनेटली विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी बिकॉज देयर विल बी अल्टीमेटली बी अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल रोमिंग अराउंड जॉबलेस एंड सिंस देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू सपोर्ट देम इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी दोज पीपल विल देन बिकम अ न्यूसेंस फॉर एवरीवन बिकॉज इट विल इंक्रीज द डिपेंडेंसी रेशियो इन द इकोनॉमी। डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा ना, ये लोग जो अपने जॉबलेस लोग हैं डिपेंडेंट हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये बात सबके समझ में आ गई, क्लियर हो गई, तो उसकी वजह से गुर्बत भी बढ़ेगी। तो अगेन दैट इज व्हाई द सोसाइटी हैज अ प्रॉब्लम कि यार प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस तरीके से रिसोर्सेज को अनएम्प्लॉय ना करे जस्ट बिकॉज ऑफ फुलफिलिंग एंड केटरिंग टू देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स, ठीक है ना? एंड व्हाट इज द सेल्फिश मोटिव ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर? दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरी जो हमने चीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ा था दूसरा? हमने पढ़ा था कि पब्लिक गुड्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री मार्केट इकोनॉमी, दैट इज बाय द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज हमने पढ़ा था कि पब्लिक गुड्स के अंदर प्रॉफिट या पैसा नहीं कमाया जा सकता। आई थिंक ये आपने क्लास मिस करी थी। हमने कहा था कि पब्लिक सेक्टर जो है वो सॉरी पब्लिक गुड्स के नतीजे में हम पैसा कमा नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक गुड्स मिसाल के तौर पर स्ट्रीट लाइट्स। अब एक मैं बोलूं कि यार मैं स्ट्रीट लाइट्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो क्या आप अपने घर के पास स्ट्रीट लाइट लगाएंगे? चले आप रहते हो, सपोज करें आपकी, हम सब एक ही गली में रहते हैं, तो उसके लिए दो स्ट्रीट लाइट्स काफी हैं, सही है जी? तो मिसाल के तौर पे अगर ये अपने घर के पास स्ट्रीट लाइट लगा ले और वो अपने घर के पास स्ट्रीट लाइट लगा ले तो हम सबके लिए काम पूरा हो जाएगा, लेकिन हम सब इनको पैसे नहीं देंगे स्ट्रीट लाइट लगाने के। तो स्ट्रीट लाइट लगाने के पैसे ये लोग खुद देंगे और फायदा हम सब उठाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर बोलेगा मेरी सिर्फ दो स्ट्रीट लाइट बिक्री है इन सबको केटर करने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर को भी मालूम है कि भाई इसके अंदर ज्यादा पैसा कमाने का कोई गुंजाइश नहीं है। सो यू वोंट सी फर्म्स दैट आर ब्रैगिंग इटसेल्फ कि यार आई एम द बेस्ट स्ट्रीट लाइट प्रोड्यूसिंग फर्म्स मेकिंग मिलियंस ऑफ मनी एंड राइट नाउ आई एम इन सर्च ऑफ अ फ्रेंच इन्वेस्टर हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस दैट सेल्स स्ट्रीट लाइट्स टू पाकिस्तानी कंज्यूमर्स। कभी सुना ऐसा? नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होता। या ये नहीं होता, कपड़ों में है, आप बोले यार मैंने जो है वो आउटफिटर से लिए, मैंने मैंगो से शर्ट लिए, मैंने लिवाइस से जीन्स लिए, इसमें कंपटीशन है, सही है जी? कोई बोले यार मैं तो वहां जैनब गया था, सही है जी? तो ये तो बात समझ में आती है, ये बात तो समझ में आती है, सही है ना? इसमें पैसा है ना। तुम आउटफिटर्स की शर्ट पहनोगे तो तुम बोलोगे यार मेरा आउटफिटर की शर्ट है, सही है ना? मैं आउटफिटर्स के जूते पहना हूँ, सही है जी? और मे बी एक्स वाई जी, ठीक है ना? तो तुम ब्रैग कर सकते हो। तो अब तुम बोलो यार मैंने जो है ना, जो ये देख रहे हो, ये इतना बड़ा जो डंडा लटका हुआ है यहाँ पे, जो पोल लगा हुआ है, ये तो स्ट्रीट लाइट जो रोशनी दे रहा है, ये जो है मैंने न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करा के स्ट्रीट लाइट लगाई है। बड़ा कमाल किया आपने, आपने अपने आप को भी फायदा पहुंचाया और आपने अपने पूरे मोहल्ले को फायदा पहुंचाया। बड़े नेक आदमी है आप, सही है जी? लेकिन इस नेकी का क्या फायदा, तुम्हें कौन सा फायदा हो रहा है इससे? तुम सबसे, तुम्हारे तो पैसे लग गए ना। तो तुम एक बड़े नेक कंज्यूमर हो और लोग इतने नेक कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि हर कंज्यूमर सेल्फिश है। हर कंज्यूमर कहता है कि मैं जब पैसा खर्च करूं तो मुझे उसका वर्थ मिलना चाहिए, मुझे उसका फायदा ही होना चाहिए। कि यार मिसाल के तौर पर मैंने पिछली बार एग्जाम्पल दी थी,
कि अगर अक्षय आइसक्रीम खा रहा है और उसकी अमन आइसक्रीम ले लेता है तो वो अक्षय की आइसक्रीम है, स्ट्रीट लाइट लगा के तुम स्ट्रीट लाइट लगा के तुम ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये तो मेरी है, अब किसी और को इस रोड से गुजरना है तो मैं तो ये स्ट्रीट लाइट बंद कर दूंगा, या तो मुझे इसके पैसे दो, मैं स्ट्रीट लाइट बंद कर दूंगा क्योंकि मैंने लगाई अपने पैसों से, हम ये बात नहीं करते। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्राइवेट सेक्टर नोज कि भाई इसके अंदर प्रॉफिट कमाने की गुंजाइश नहीं है। मैंने पब्लिक सेक्टर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, सॉरी पब्लिक गुड्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे पिछली क्लास में, नंबर वन नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नंबर टू नॉन राइवलरी। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस। एग्जैक्टली, नॉन एक्सक्लूडेबल बोले तो अगर निव्यान स्ट्रीट लाइट लगा के बैठा है और वहां से अक्षय जा रहा है तो निव्यान ये नहीं कह सकता कि तुम यहां से नहीं गुजर सकते, ये स्ट्रीट लाइट मैंने लगाई है, सही है जी, क्योंकि अक्षय को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि पब्लिक गुड्स नॉन ड्राइवलरस क्यों है अफान, नॉन ड्राइवलरस इसलिए है क्योंकि अगर हम सब एक जगह मौजूद हो ना और हम सब एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी को, उस लाइट को कंज्यूम कर रहे हो तो हम सबके लिए वो लाइट की रोशनी बराबर है। आरी बस हमने ऐसा नहीं है कि एक बंदा अगर स्ट्रीट लाइट की रोशनी कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे के लिए वो अवेलेबल कम हो जाएगी, नहीं, मैं ये आइसक्रीम खा रहा है, मैंने इससे ले लिया आइसक्रीम, सही है, मैंने खा ली तो इसके लिए कम हो गई ना, तो इसका मतलब है कि एक्सक्लूडेबल है वो आइसक्रीम, प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल है, मेरी चीज है, मैंने मना कर दिया, आप ये यूज नहीं कर सकते। मैं चाय पी रहा हूं, निव्यान ने एक सिप ले ली, मेरे लिए क्वांटिटी कम हो गई। पब्लिक गुड्स की क्वांटिटी कम नहीं हो जाती दूसरे के लिए अगर कोई दूसरा बंदा उसको कंज्यूम करे, इसको कहते हैं नॉन ड्राइवलरस है पब्लिक गुड्स। तो ये इसकी दो अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन ड्राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तीसरी चीज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो की थी डीमेरिट गुड्स विल बी प्रोड्यूस, मत बोलना खुदा के लिए, क्या बोलना है, ओवर प्रोड्यूस, ओवर प्रोड्यूस्ड एंड ओवर कंज्यूम्ड बियॉन्ड द सोशली ऑप्टिमम लेवल। तो डीमेरिट गुड्स विल बी ओवर प्रोड्यूस, डीमेरिट गुड्स विल बी ओवर कंज्यूम्ड बियॉन्ड द सोशली ऑप्टिमम लेवल, which will result into huge amount of negative externalities, huge amount of external cost, huge amount of welfare losses for the society. Negative externality किसे कहते हैं? What is a negative externality? हम बात कर रहे हैं negative externality की। externality का मतलब होता है external impact। negative है अगर वो, तो इसका मतलब है कि वो लाजमी जो impact है वो बुरा है। इसका मतलब external cost। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नैलिटी मतलब थर्ड पार्टी इंपैक्ट, एक्सटर्नल इंपैक्ट, अगर वो नेगेटिव है तो वो इंपैक्ट बुरा है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब होता है, व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट व्हेन द थर्ड पर्सन इज अफेक्टेड, हाँ मैं अच्छी सी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, एक्सटर्नल कॉस्ट समझ आ रहे हैं? एक्सटर्नल कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑन द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के ऊपर कॉस्ट इंपोज हुई है, थर्ड पार्टी पे कॉस्ट इंपैक्ट हुई है, समझ आ रहा है फान? अच्छा बच्चे लेकर आते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट एग्जांपल पोल्यूशन, क्या एक्सटर्नल कॉस्ट, ये कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, आपने बताना है, इट इज द कॉस्ट ऑन द थर्ड पार्टी, यहां लिख के खत्म नहीं करना, पूरा बताना है, फॉर विच द थर्ड पार्टी इज नॉट कंपनसेटेड फॉर, ये पूरा लिखना है, क्या मतलब इस बात का, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पे अगर टीएलआर पे बैठ के कोई ई सिगरेट्स पिएगा तो मुझे तो तकलीफ नहीं पहुंच रही बिकॉज मैं वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन उसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है, या तो वो बंदा ई सिगरेट पी रहा है, मुझे रोज के 1000 रुपए दे पीने के, लेकिन वो ये नहीं करेगा, लेकिन अगर वो ये कर रहा है और उसकी वजह से अगर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर तो मुझे तो नुकसान हो रहा है ना यार। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कोई पेरेंट आता है वो कहता है कि यार यहाँ पे 2 लौंडे 3 लौंडे बैठे हुए हैं और ई सिगरेट बैठ के पी रहे हैं तो यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, हाँ पी रहे हैं, नाम मेरा भी आएगा, नाम मेरा भी आएगा और मैं बदनाम हो जाऊंगा, वो 10 और लोगों को बताएंगे, मेरा बिजनेस भी अफेक्ट होगा, ये क्या है, या तो मैं 4-6 शीट भेज दूं हर 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 महीने के भाई तुम्हारे सिगरेट पीने की वजह से ये 6 एडमिशन कैंसिल हुए, 4000 रुपए ये पे कर रहे थे, 20000 मुझे मेरी जेब में दे दो, लेकिन ये मैं क्या कंपनसेट करेगा मुझे इस बात के, नहीं करेगा कंपनसेट, फॉर विच
द थर्ड पार्टी इज नॉट कंपनसेटेड फॉर, ये इंपॉर्टेंट चीज है अक्षय। अगर तो तुम मुझे कंपनसेट कर दो तो फिर वो एक्सटर्नल कॉस्ट मेरे ऊपर, फिर इसको मैं एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं कह सकता। अगर ये मुझे मॉनेटरली, मे बी मॉनेटरली और नॉन मॉनेटरली जिस वे में भी कंपनसेट कर देता है, या तो ये पब्लिक डिस्क्लेमर दे दे ऑनलाइन जाके, भाई सर आदिल की गलती नहीं है, सही है ना, मिसाल के तौर पे पब्लिक डिस्क्लेमर दे दे कंपनसेट, मे बी नॉन मॉनेटरली से कंपनसेट कर दिया। कहने का मकसद मेरा यह है कि अगर तो थर्ड पार्टी कंपनसेटेड है तो फिर एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर और थर्ड पार्टी कोई कंपनसेटेड नहीं है तो ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। इट इज अ कॉस्ट ऑन द थर्ड पार्टी फॉर विच द थर्ड पार्टी इज नॉट कंपनसेटेड फॉर। एक्सटर्नल कॉस्ट की बहुत सारी शक्लें होती है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो रात को सो रहे हैं और आपने देखा कि भाई ये तो जो है वो बराबर वाले घर में शादी चल रही है और बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, सही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, ये भी एक्सटर्नल कॉस्ट है, उनकी वजह से आपको नुकसान पहुंच रहा है। पैसिव स्मोकिंग अनदर एग्जांपल, आप बैठे हुए, ठीक है, यू हैव एन हेल्थ इश्यू और आपके सामने बंदा बैठा हुआ जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, सही है जी, तो आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, अगेन एक्सटर्नल कॉस्ट। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक कंजेशन से आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू नो मे बी यू आर फीलिंग वेरी एंग्शियस बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक कंजेशन, अगेन एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। अल्कोहल कंजम्पशन, एक्सट्रीम अल्कोहल कंजम्पशन, जिसकी वजह से आपने किसी को उड़ा दिया, बंदे को अल्कोहल आपने पी थी, टोन आप थे, आपने किसी बंदे को उड़ा दिया, एक्सटर्नल कॉस्ट की ये भी एग्जांपल है। आ रही है बात समझ में? हाँ, उस बंदे के ऊपर एक्सटर्नल कॉस्ट हुआ, वो तो अच्छा, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, दबा के स्मोकिंग कर रहे हैं, पूरी रात आपने अल्कोहल पी, पूरी रात आपने स्मोकिंग की, आपने अपनी हेल्थ पे नुकसान किया, किया मेंटली फिजिकली आपको नुकसान हुआ, इसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट कॉस्ट। अगले दिन सुबह सुबह आप स्कूल जा रहे थे, स्कूल जाते में आपने एक बंदे को उड़ा दिया, वो बंदा वहीं फारिग हो गया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। बंदे को उड़ा देना इज योर एक्सटर्नल कॉस्ट। आपने पूरी रात क्या किया वो आपकी प्राइवेट कॉस्ट है, इससे सोसाइटी को कोई मसला नहीं है, जो करना है करो, लेकिन अपनी हरकत की वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान कर दोगे जिसकी वजह से उसको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगी, ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। और हम ये कहते हैं कि डीमेरिट गुड्स की ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन रिजल्ट्स इनटू एक्सटर्नल कॉस्ट कॉजिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ नेगेटिव वेलफेयर इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो बेसिकली एक्सटर्नल कॉस्ट के आगे एक और वर्ड आएगा, इट विल कॉज नेगेटिव वेलफेयर, जिसको हम बोल सकते हैं वेलफेयर लॉसेस भी लिख सकते हैं इसको हम, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिखेंगे इट विल मेक सोसाइटी वर्स ऑफ, इट विल मेक सोसाइटी वर्स ऑफ। ट्रैफिक कंजेशन, नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, एल्कोहल कंजम्पशन की वजह से जो नुकसान होगा, पैसिव स्मोकिंग, ठीक है, इसके बाद फैक्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होती है उस प्रोडक्शन की वजह से जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स आ रहे हैं, अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। आपके ख्याल में आजकल आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर और अपने स्कूल्स के अंदर भी क्लाइमेट चेंज पे बहुत बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट, ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ये दुनिया का क्लाइमेट क्यों बदल रहा है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट इज कॉजिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो दुनिया है ना, ये इतनी, इस दुनिया की रिसोर्सेस के ऊपर एक स्टॉप लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी ओवर कंजम्पशन और ओवर एक्सट्रैक्शन और ओवर यूटिलाइजेशन, इन रिसोर्सेस की ओवर कंजम्पशन, ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर एक्सट्रैक्शन हैज रिजल्टेड, हैज पुट अ ह्यूज स्ट्रेन ऑन अर्थ रिसोर्सेज, विच इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग योर क्लाइमेट चेंज एज वेल। द नेचर ऑफ द क्लाइमेट चेंज, द अमाउंट ऑफ फ्लड्स दैट आर हैपनिंग, द अमाउंट ऑफ वाइल्ड फायर्स दैट आर टेकिंग प्लेस, द अमाउंट ऑफ रेन्स दैट इज टेकिंग प्लेस, द सर्दियां बढ़ती चली जा रही हैं और गर्मियां भी बहुत बढ़ रही हैं, ये भी क्लाइमेट चेंज है। ये क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अर्थ की ओजोन लेयर इफेक्ट जब होगी, और वो क्यों हो रही है अर्थ की ओजोन लेयर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन दैट द अर्थ्स इंडस्ट्रीज आर जनरेटिंग ऑन द एनवायरनमेंट। तो अर्थ की इंडस्ट्रियां ऐसा क्यों कर रही हैं? उनको नहीं परवाह के भाई अगले साल जो फ्लड, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पैसा कमाना है, बड़े बड़े महलों में रहना है, अपना प्राइवेट जेट पकड़ के निकल जाएंगे किसी और मुल्क में, कराची में क्या फ्लड्स आए, पाकिस्तान में फ्लड्स आएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनका काम है पैसा बनाना, गवर्नमेंट को पैसा देना अगर मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, और बाहर निकलना, प्राइवेट सेक्टर का काम है वेल्थ जनरेशन। सर जी, जैसे किसी जगह पे माइनिंग हो रही है और
आपको पता है माइनिंग जो है वो बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट, माइनिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो बिल्कुल सही की एवरेज लाइफ जो होती है बंद लोगों की बहुत डेंजरस एक्टिविटी है। माइनिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से जो माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है दैट इज वेरी हार्मफुल, बिल्कुल उस वजह से जो नुकसान होगा लेबर को वो भी एक्सटर्नल कॉस्ट के अंदर आएगा, उससे जो डेथ्स होगी। लेकिन अगर कोई कंपनसेशन है या उनकी कोई ड्राफ्टेड पॉलिसीज हैं तो, लेकिन एक बात है भाई आप माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग के नतीजे में एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन से साइड में फैमिली खड़ी हुई थी वो भी मर गई, तो वो क्लियरली एक्सटर्नल कॉज उनका, बिकॉज दे आर नॉट। अच्छा इसके अंदर एक और बात सामने आती है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में पार्टी टू अ ट्रांजेक्शन है, इनके दरमियान एक ट्रांजेक्शन हो रही है। मिसाल के तौर पर अक्षय, मिसाल के तौर पर एक बंदा सिगरेट पी रहा है और अमन ने उसको लाइटर देके जलाया, उसने सिगरेट पी फिर उसने एक फूंक लगाई फिर उसने अमन को दी, अमन ने भी लगाई, साइड में ये बैठा हुआ है इसको तकलीफ हो रही है, तो पार्टी टू ट्रांजेक्शन कौन है? वैसे होगी नहीं इसको, लेकिन ए और बी आपस में पार्टी टू ट्रांजेक्शन है। मिस्टर सी जो है ना ये बिला वजह का नुकसान इसमें फंस गया है, तो बेसिकली थर्ड पर्सन जो है यहां पर मिस्टर सी है, तो बेसिकली एक्सटर्नल कॉज जो आती है ये उन लोगों पे आती है हु आर नॉट पार्टी टू ट्रांजैक्शन। मिसाल के तौर पे माइनिंग हो रही है बिटवीन द माइनिंग इंडस्ट्री एंड द माइनिंग वर्कर्स, आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, उस एक्सप्लोजिव की वजह से कोई तीसरा बंदा अगर मारा जाएगा तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट होगी, समझना। अगर वो एग्जैक्टली अगर टेक्निकली हम देखें ना तो बिल्कुल नहीं आएंगे, यू आर राइट भाई, इसलिए नहीं आएंगे बिकॉज वो उनकी दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली इससे हमें एक बात और अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, इससे मजीद क्लैरिटी आ रही है कि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने अमन को बोला अमन तुमने जो है ना, सो मिसाल के तौर पर इस तरह जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, जो हमारी पुलिस फोर्स है, अगर वो किसी क्रिमिनल शूट आउट के अंदर मर जाते हैं तो एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब। लेकिन उस क्रिमिनल शूट आउट के अंदर अगर कोई सिविलियन मारा जाएगा सो दैट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट। आ रही है बात समझ में? सो नाउ यू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल कॉस्ट इज, एक्सटर्नल कॉस्ट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द अमाउंट टू जस्ट हमारी खाली हमारा हेल्थ या हमारी लाइफ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब कोई हमारी यहाँ क्लास हो रही है बाहर बच्चे बातें कर रहे हैं, ये भी एक्सटर्नल कॉस्ट है, ये एक्सटर्नल कॉस्ट है क्योंकि मुझे शोर आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, हाँ मगर मुझे नुकसान हो रहा है ना यार, पढ़ाई अच्छी नहीं करा पा रहा मैं, आपका कल एग्जाम भी है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। सो बेसिकली प्रॉब्लम इज के फ्री मार्केट सेक्टर, फ्री मार्केट इकोनॉमी गिव्स अ डैम अबाउट दीज एक्सटर्नल कॉस्ट, दे डू नॉट कंसिडर द एक्सटर्नल कॉस्ट एट ऑल, दे ओनली कंसिडर द प्राइवेट कॉस्ट, दे विल ओनली कंसिडर द प्राइवेट कॉस्ट। सो ये बात लिख लो कि फ्री मार्केट द प्राइवेट सेक्टर गिव्स अ डैम और डज नॉट कंसिडर अबाउट द एक्सटर्नल कॉस्ट, दे ओनली कंसिडर अबाउट द प्राइवेट कॉस्ट। सही है जी? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक्सटर्नल कॉस्ट की एक और एग्जांपल देता हूँ, देखें नहीं ये तुम्हारे पास एमसीक्यूज के अंदर ना ये डिफरेंट सिनेरियोस देते हैं तुम्हें बेसिकली ना, तो वहां पे तुम्हें फिर हाँ वो तुम्हें बोलेंगे ये प्राइवेट कॉस्ट, बोलेंगे प्राइवेट कॉस्ट दी हुई है, एक्सटर्नल कॉस्ट कैलकुलेट करो, सोशल कॉस्ट भी दी हुई, तो अभी तुम्हें ये बात इसमें समझानी पड़ेगी। एक और मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री लग रही है, एक प्लांट लग रहा है, ठीक है ना, बहुत बड़े एरिया में एक प्लांट करा रहे हैं, प्लांट आपने खड़ा किया, केमिकल प्लांट लगा रहे हो आप, सही है ना, वहां पे लोग रहते हैं, अब आपने वहां पे जाके लोगों को बोला भाई यहां से निकलो, थोड़ी सी उनको कंपनसेशन एक आध कुछ दे दी तो दे दी, बल्कि शायद वो भी ना दी, कंपनसेशन भी नहीं दी उनको, बस बोला यहां से हटो, लैंड क्लियर करवा दिया आपने, गवर्नमेंट को पैसे खिलाए, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया, वहां पे बेचारे गरीबों की बस्ती थी वो आपने हटा दी, सुना है ना आपने ऐसा होता है, आपने लैंड क्लियर करा दिया पूरा, जानवर भी रहते थे, एनिमल हैबिटेट थी, पीछे फॉरेस्ट भी था, फॉरेस्ट भी क्लियर करा दिया, हाईवे बनता है तो आपको पता है फॉरेस्ट काटा जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट करती है, बिकॉज जब रोड्स ब्रिजेस डैम्स वगैरह बनते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया हैज टू बी क्लियर्ड जहां पर फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट बहुत जरूरी है, डिफॉरेस्टेशन जो आप हो रही होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के नतीजे में, फॉरेस्ट बहुत जरूरी है टू प्रिजर्व द क्लाइमेट एंड द एनवायरमेंट, तभी तो ट्रीज प्लांट कर रहा है इमरान खान, इसलिए तो कर रहा है बिकॉज पता है क्लाइमेट चेंज कितना सीरियस इशू है, तो आपने जो ये जमीन क्लियर करा के फॉरेस्ट हटाए, जानवर हटाए और आपने लोगों को वहां से हटाया, दैट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट,
उनको फर्क नहीं पड़ता, जो केमिकल प्लांट लगा रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा हमारे केमिकल प्लांट लगाने से लोगों का क्या होगा, जानवरों का क्या होगा, या फॉरेस्ट कितना जरूरी था अर्थ के. They are making millions of investment over there. Billions of money is being invested. Maybe you have foreign investors in it too. So obviously people, so these foreign investors and the domestic investors investing billions and billions of money and dollars will never care about what is going on, what the impact of this is having on the environment and the in society around them, external to them. What is happening within them? Well, they will only consider private cost. Private cost kya hogi? प्राइवेट कॉस्ट होगी कि प्लांट लगाने की कॉस्ट कितनी, कितना कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है, कितना लेबर को पैसा दिया जा रहा है, कितना रॉ मटेरियल को पैसा दिया जा रहा है, और ये सारी कॉस्ट एनालिसिस करके अगर उनको लगता है कि हाँ प्लांट लगाना फिजिबल है, प्लांट लगाओ उसमें प्रॉफिट जनरेट होगा, लगाओ प्लांट, फिर लगाओ प्लांट, फिर लगाएंगे प्लांट. सर इन्वायरमेंट यार वो आप कुछ नहीं कर सकते. डिस्कस में आ गया तो तुम्हें उसकी, तो फिर तुम्हें प्रोस कॉन्स दोनों बताने पड़ेंगे. तो हाँ अब देखो, अब ये बड़ा अच्छा इसने एक सवाल रेस किया यहाँ पे. पहले एक बात ये कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉस्ट क्या होगी. तो प्राइवेट कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो प्राइवेट कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एक प्लांट लगाने की प्राइवेट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आप सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट पीने की प्राइवेट कॉस्ट क्या है, आप पे जो नुकसान हो रहा है. प्लांट लगाने की प्राइवेट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेबर कॉस्ट एंड एवरी ऑल अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विल कम अंडर प्राइवेट कॉस्ट. प्लांट लगाने की एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगी, एरिया क्लियर होगा, लोग हटेंगे, एनिमल हैबिटेट, ह्यूमन हैबिटेट जो वहां से निकाला जाएगा. ऑब्वियसली अगेन द इन्वायरमेंटल डैमेज, आपको पता है केमिकल कंपनीज जो होती हैं दे डंप एंड देयर डिस्पोजल देयर केमिकल वेस्ट इन टू द रिवर्स एंड द ओशंस, दैट कॉजेज ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपैक्ट ऑन द फिशेज. And that affects the fishermen's livelihood as well. Not only that, it makes the sea black, which affects the tourism as well. All of this is what? External cost. All of this is the brunt and all of it is the loss that the society has to bear because of the industrial and the profit maximizing activities of the private sector. Private sector is only considered about the external cost. लेकिन यहाँ पर एक argument है जो अमन ने raise किया है. अमन ने बोला कि मान लिया हमने, अब बहुत important, evaluation में जब सवाल आएगा ना discuss करके, वहाँ पे evaluation में क्या लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि अमन ने बोला सर ठीक है आपकी बात भी सही है कि यार क्लाइमेट पे इम्पैक्ट आएगा, प्लांट लगाएंगे, लोगों को वहां से हटा दिया, जानवर वहां से हट गए, हमने फॉरेस्ट हटा दिया पूरा, उसका क्या कि हम जो लोगों को हमारे प्लांट के अंदर जो लाखों लोग एम्प्लॉयड होंगे उनकी फैमिलीज भी तो हम चलाएंगे, सही है, वो जो हम प्लांट लगा रहे हैं, do we want we provide jobs to the people? Won't we give taxes to the government? वो गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे से क्या करेगी, गरीबों पे ही लगाएगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएगी, पब्लिक मेरिट गुड्स पे लगाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात को, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे लगाएगी, ट्रांसफर पेमेंट्स पे लगाएगी, सब्सिडीज देगी टू इनएफिशिएंट फर्म्स, हमारे टैक्स के पैसों से ना. तो ये भी तो एक आर्ग्यूमेंट है, अब क्या करें, अब यहां फड्डा हो गया शुरू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डिस्कस के क्वेश्चन के लिए, समझ रहे हैं. फड्डा क्या है, फड्डा एक तरफ फड्डा है कि भाई सोसाइटी को लॉस हो रहा है, और एक तरफ फड्डा है कि सोसाइटी को लॉस नहीं भी हो रहा है. अब स्टूडेंट स्टूडेंट बैठा हुआ है अपना आंसर सब लिखने के बाद कंक्लूड कर रहा है, अब क्या लिखेगा कंक्लूजन में, वो लिखेगा ये कि कौन सी चीज शुड ओवरवे, यानी कौन सी चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, ठीक है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्लांट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी. However, there is also a positive impact on society as well in the form of employment and all of that. So, but the private sector will never consider the negative impact on society. Neither will it also consider the positive impact on society. However, we have to decide ki whether the plant that we are installing will provide benefit. However, ab dekho, yahan par private sector किस बेसिस पे डिसीजन लेगा कि मैं प्लांट लगाऊं, वो इस बेसिस पे डिसीजन नहीं लेगा कि यार मुझे, वो इस बेसिस पे डिसीजन लेगा कि किसको कितना प्रॉफिट होगा प्लांट लगाने से, वो इस बेसिस पे फैसला करेगा, सही है. सोसाइटी किस बेसिस पे प्लांट को लगने से अलाउ कर सकती है, या सोसाइटी को आप कैसे शट डाउन कर सकते हैं, चुप करा सकते हैं, ये बोल के कि भाई वो जो प्रॉफिट से हम टैक्स के रेवेन्यू देंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, जरूरी नहीं है. ये बच्चा बहुत गलत लिखकर आता है पेपर, कहता है कि जी प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल सोसाइटी के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है, आप इस पे भी डिबेट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर कैन आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी बिकॉज ऑफ द मिलियंस ऑफ जॉब्स दैट इट विल प्रोवाइड टू पीपल, सही है, लोकल कम्युनिटी को हम जॉब्स देंगे तो यह भी तो सोशल बेनिफिट सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव वेलफेयर इंपैक्ट लाएगा,
तो डिस्कस के क्वेश्चन में ये लिखना है, जहां ये लिखना है कि नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, वहां ये भी लिखना है कि एक हद तक पॉजिटिव भी है उसका। एग्जामिनर को बताना है आपको कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहा हूं, मुझे पता है कि नेगेटिव भी क्या है पॉजिटिव भी क्या है, तब जाके यू विल लर्न अ वेरी गुड आंसर और फिर आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे उस पर। क्लियर हो गई बात? सो यू आर डन। तो हमने ये देख लिया कि जी एक्सटर्नैलिटी क्या है, हमने देख लिया डीमेरिट गुड्स किस तरह एक्सटर्नैलिटी रेस करते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से व्हाट इज प्राइवेट कॉस्ट, और हमने ये भी देख लिया व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। ये बात याद रखना कि द कॉस्ट टू सोसाइटी इज नोन एज द सोशल कॉस्ट। द कॉस्ट टू सोसाइटी इज नोन एज सोशल कॉस्ट, विच इज द सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सही है जी, ये बात याद रखना, द सोशल कॉस्ट इज द सम ऑफ प्राइवेट एंड योर एक्सटर्नल कॉस्ट, यानी द इंपैक्ट ऑफ एनीथिंग ऑन द सोसाइटी, द इंपैक्ट ऑफ एनीथिंग ऑन द सोसाइटी इज द सम ऑफ द कॉस्ट द एक्सटर्नल पीपल और द थर्ड पर्सन विल फेस फ्रॉम दैट एक्टिविटी प्लस द कॉस्ट द प्राइवेट सेक्टर इटसेल्फ विल फेस फ्रॉम दैट एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बोलूं कि सिगरेट स्मोकिंग सोसाइटी के लिए कितनी हार्मफुल है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिगरेट, अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो मेरी वजह, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा हूं, ठीक है जी, तो मैं यहां पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा हूं, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, और साथ में आप सब भी स्मोकिंग कर रहे हैं पैसिवली, ठीक है ना। अब मुझसे कोई सवाल करे कि आपकी सिगरेट, तो सर आदिल के सिगरेट पीने से सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट हो रहा है, तो निव्यान कहता है सर आदिल के सिगरेट पीने से सोसाइटी को ऐसे इंपैक्ट हो रहा है कि जब सर आदिल सिगरेट पीते हैं ना, तो पूरी क्लास में जो है वो एक हेल्थ इशू जनरेट हो जाता है। सही है जी, तो ये सोसाइटी का लॉस है। मैं कहूँगा नहीं, तुम ये मत बोलो खाली, तुम ये भी बोलो कि सर आदिल भी सोसाइटी का हिस्सा है, और ना ही सिर्फ उनकी हेल्थ खराब हो रही है बल्कि सब बच्चों की भी हेल्थ खराब हो रही है। सो राइट अ कंप्लीट स्टेटमेंट। सो दैट इज वाई वी से द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी includes the impact on the producer himself, which is covered by the private cost, plus the third party impact, that is the external cost. Is it clear? Okay, next. Once I am done with market failure, I am just waiting के market failure खत्म, जैसे ही market failure खत्म होगा हम foreign past papers शुरू कर देंगे। मैं आप लोगों को भी दे दूंगा past papers, ठीक है? Past papers मत देना, prepared है मेरे पास, compiled है, मैं wait कर रहा हूँ market failure खत्म होने का। जैसे मार्केट फेलियर जैसे ही खत्म होगा, हम पीपीसी के पहले हम करेंगे मार्केट फेलियर के, फिर हम करेंगे पीपीसी के। बल्कि इनफैक्ट हम अगली हमारी कौन सी क्लास है, फ्राइडे को है ना, हम फ्राइडे वाले दिन पास्ट पेपर्स कर लेंगे यार, हम अभी टाइम नहीं है, ऑनलाइन नहीं, फ्राइडे वाले दिन पास्ट पेपर करते हैं। सही है, फ्राइडे के दिन पास्ट पेपर करते हैं। हाँ तो रात को था, फ्राइडे नहीं होगी क्लास, नहीं हो पाएगी ना, 12 रबीउल अव्वल है, तो आप लोगों को बड़ा, मैं तो अच्छा जी, नेक्स्ट लिखे उसके बाद नेक्स्ट मार्केट फेलियर कौन सा नंबर, कौन सा ये 4 मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड, नंबर 4 अच्छा जी, ये YouTube पे आ जाएंगे, एडिट कर दूंगा मैं एक साथ, वीकेंड पे सारा एडिट कर दूंगा। ये सारा अपलोड हो रहा है YouTube पे जाएगा ये। जी एनी एग्जाम्पल्स, यस अक्षय, इस बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें नहीं आ रहा नजर, क्यों? हाँ, मेरिट गुड्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ मेरिट गुड? नहीं ये देखो, फिर कल जब मैं पूछू ना व्हाट इज अ मेरिट गुड, डिफाइन अ मेरिट गुड, तुम एग्जांपल मत दो मेरिट गुड्स की। डेटॉल मेरिट गुड कैसे है? एक मिनट, नहीं, हाँ
बट डेटॉल मेरिट बुक कैसे है? सैनिटाइजर। तुम क्या पूरे पूरे कराची में सैनिटाइजर मारने वाले हो? तुम अपने घर में मारोगे ना, तो मुझे क्या फायदा है? तो मेरिट गुड है नहीं है, फिर मेरिट गुड है। बड़ी अच्छी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल से बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं डेटॉल जो है वो मेरिट गुड है। अब इसने डेटॉल अपने पूरे घर में लगा दिया, मुझे क्या फायदा हुआ? मेरे को, मैं क्या, आई एम नॉट प्रोटेक्टेड। अगर ये कोरोना वायरस का जो है वो एंटीसेप्टिक अपने घर में कर लेता है बैठ के उसका सिस्टम, तो मुझे क्या फायदा है? मुझे तो कोई फायदा नहीं है। तो एक्सटर्नल तो मुझे तो मेरिट गुड नहीं है ना फिर। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर आप जो है कोई, जैसे कि इसने हॉस्पिटल बनाया, लेट्स सपोज, तो इसने हॉस्पिटल जो बनाया उससे कितने लोगों का फायदा है? कितने लोगों का फायदा? बहुत लोगों का फायदा है। इलाज कर रहा है ये लोगों का, भले पैसे ले रहा है लेकिन इलाज कर रहा है ना, सबका फायदा है, सोसाइटी का फायदा है। ठीक है जी। इसी तरीके से एजुकेशन, एजुकेशन इज अ मेरिट गुड। द मोर एजुकेटेड यू आर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिग्रीज, द मोर एजुकेटेड यू आर, द मोर वेल लर्न एंड वेल वर्स्ड यू आर, द मोर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन यू विल हैव इन द सोसाइटी अराउंड यू एज वेल, नॉट ओनली इट विल बेनिफिट यू। देखिए आप लोग, मैं आपसे बोलूँ, आप लोग कितनी तालीम हासिल करेंगे? आप बोलेंगे सर हम मास्टर्स कर लेंगे उसके बाद फिर हम शादी कर लेंगे, बाकी शादी शायद मास्टर से पहले कर लें। ठीक है जी, कुछ लोग तो कल ही कर ले। तो आप लोग इंतजार में होंगे कि भाई हम जल्दी से अपना बैचलर्स खत्म करें, उसके बाद हम सेटल हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमारा जॉब होगा और हमारी वही एक, बस हम क्या करेंगे, बस फिर बस हमारी फिर लाइफ यही होगी। पाकिस्तानी सोच हमारी, देसी सोच जो है ना हमारी यही है, देसी सोच यही कहती है हमारी। वैसे बिल्कुल आई नो, शादी के नाम से जो है वो लोगों पर डिप्रेशन शुरू हो जाता है। नहीं ऐसा हो, ऐसा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पॉजिटिव बना सकते हैं। जनरली अगर आपने देखा हो, आपकी जनरेशन बहुत डिफरेंट है। अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें कि हमारी जो पेरेंट वाली जनरेशन है वो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं शादी हो के नहीं गए, अपने उन्होंने अपने आप को ऐसे ख्याल रखना छोड़ देते हैं अपना। अब देखा होगा लोगों की शादियाँ होती हैं, ये मोटे चौड़े हट्टे कट्टे अजीब, उन लोगों के खुलिए हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, अजीब हो जाते हैं लोग। 38-39 के वो होते हैं, मतलब यंग होते हैं, 38-39 में बुढ़े नहीं होते। मैं 30-39 में नहीं हूँ। सही है जी, बेकार की बातें कर रहे हो। मैं 33 का हूँ, 30 का हूँ मैं। 1983 की बड़ाई हाँ 1990 की बताइश बेटा, और मैंने सबूत दिखा, सबूत दिखा दो, दिखा दो। 83 कहीं से भी नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने कब बताया 33 यार? हाँ वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर, एज तो नंबर होता है ना एक। देखो इंसान एजेड होता है, इंसान जो होता है वो एजेड होता है अपने दिमाग से। इंसान बूढ़ा अपने दिमाग से होता है। सही है, क्यों अक्षय? कुछ को रखो। अच्छा जी, तो कहने का मेरा मकसद आपसे ये था, क्या बात कर रहे थे हम, बात कहाँ शुरू कहाँ से हुई थी? हाँ वो शादी की, हाँ जो शादी की बात क्या थी, शादी की एजुकेशन से हम बात करते। एग्जैक्टली, तो हम बात ही कर रहे थे कि आप लोग ये सोचेंगे कि भाई एजुकेशन हासिल करें, ये करें, वो करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे नहीं यार मैंने जो है ना वो अपने करियर पे फोकस करना है, मैंने अपने करियर पे फोकस करना है, शादी वादी तो मैंने करनी नहीं है, और करनी भी है तो पता नहीं कब करनी है, तो मैंने अपने करियर पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है, मैंने शादी वादी नहीं करनी। आई विल फोकस ऑन माई करियर, मैं बैचलर्स करूंगा या करूंगी, फिर मैं मास्टर्स करूंगा या करूंगी, और फिर अगर मेरे शादी का कोई सीन हुआ तो मैं अपने अम्मा पापा को बोल दूंगी, या अपने अम्मा को बोल दूंगा कि मैं तो अभी पढ़ना है तो मैं तो पीएचडी करना है तो मैं पीएचडी करूंगी या करूंगा, व्हाटएवर। द मोर एजुकेटेड यू आर, द मोर पॉजिटिव इंपैक्ट और अ मोर पॉजिटिव रोल यू विल प्ले ऑन द सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाई एजुकेशन इज अ मेरिट गुड, बिकॉज मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसकी, जब आप ये कहते हैं ना डिफाइन अ मेरिट गुड, तो बच्चे लेकर आते हैं मेरिट गुड्स हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। ओके, ये आपने डेफिनेशन नहीं दी, ये आपने इंपैक्ट बताया मेरिट गुड का। मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, एग्जाम्पल। डिफाइन का मतलब क्या है इसका? डेफिनेशन को पहले समझोगे, डेफिनेशन किसे कहते हैं? डेफिनेशन का मतलब मतलब, तो मतलब मेरिट गुड्स का ये है कि मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स दैट नंबर वन provide an external benefit and they provide a positive meaningful contribution on the society. Their consumption not only helps the person himself but also the people and the society around them. Sahi hai na? Those are merit goods. Aur iski example kya hai? Healthcare and iski example hai education. Jitne taleem yafta aap honge na, misal ke taur pe main mujhe ek baat bataya, misal ke taur pe let's suppose मैं निव्यान को जाके बोलूँ कि निव्यान बेटा देखो स्मोकिंग जो है ना बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है ना, सिर्फ इतना मैंने इसको बोला, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्मोकिंग बुरी चीज़ है, मुझे पता है कि इसका कितना हेल्थ इंपैक्ट आता है। अभी तो इतना पता नहीं चल रहा होता, लेकिन ऑब्वियसली आगे जाके जो है वो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है, उसके बहुत
मसले हैं, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किए हैं, आप लोगों को मसाइल बताएं इसके, ठीक है ना। तो आगे जाके जब हम, तो फॉर एग्जांपल मैंने निव्यान से बोला कि निव्यान स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है, निव्यान ने फिर जाके मेरी बात सुनी, मैंने सिर्फ निव्यान को एक बात बोली। अब ये मैंने क्यों बोला निव्यान को कि स्मोकिंग बुरी चीज़ है, क्योंकि मुझे मालूम है स्मोकिंग बुरी चीज़ है, और ये, और मुझे कैसे मालूम है स्मोकिंग बुरी चीज़ है, बिकॉज ये मेरा एजुकेटेड होने का सबूत है कि मुझे पता है कि स्मोकिंग बुरी चीज़ है। एजुकेशन इज नॉट अबाउट डिग्री, इट्स अबाउट नॉलेज एंड लर्निंग एंड इंटेलेक्ट। और मैंने अपने इंटेलेक्ट को यूज करके जब निव्यान को समझा कि स्मोकिंग बुरी चीज़ है, निव्यान ने मेरी बात समझ ली, उसने स्मोकिंग छोड़ दी, ताकि कल साकिब को भी समझाया कि साकिब देखो स्मोकिंग बुरी चीज़ है, और साकिब ने फिर जाके इनको समझाया। तो इससे क्या हो रहा है कि द वर्ड इज स्प्रेडिंग अराउंड एंड एवरीवन इज बेनिफिटिंग जस्ट बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई स्टार्टेड एंड आई टोल्ड हिम, बट इट डिडंट एंड ऑन हिम। सही है ना, इट इज बेनिफिटिंग एवरीवन। इसको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि मेरिट गुड्स जो होते हैं, दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल बेनिफिट, दे हैव अ पॉजिटिव रोल ऑन सोसाइटी, बोथ हेल्थ केयर एंड व्हाट एंड एजुकेशन। दीज आर बेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है ना। सो मेरिट गुड्स दे प्रोवाइड, आप लिख लें मीनिंगफुल पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन सोसाइटी, मीनिंगफुल पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन सोसाइटी। क्या लिखा है मैंने, ये मेरिट गुड्स की डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने लिखा है कि मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड बिलो द सोशल, हाँ सर जाना पड़ेगा एंड अंडर कंज्यूम भी है ये। तो मेरिट गुड्स जो है वो होते हैं दैट प्रोवाइड अ पॉजिटिव मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट प्रोवाइड एन एक्सटर्नल बेनिफिट टू सोसाइटी, ठीक है जी, एंड दे प्रोवाइड एन दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है ठीक है, तुम ले लेना काम, ठीक है। सोसाइटी हैज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड इसी के साथ साथ देयर इट रिजल्ट्स इनटू सोसाइटी बीइंग मोर बेटर ऑफ, सोसाइटी बीइंग बेटर ऑफ, ठीक है। एंड दैट इज वाई वी से इन ऑर्डर फॉर द सोसाइटी टू ग्रो एंड कम्युनिटीज टू ग्रो, द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर इरज कि इट इन्वेस्ट ह्यूज सम्स ऑफ मनी इन। दुनिया में आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज में देर इज अ लॉ, एजुकेशन जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, यूएस के जितने भी स्टेट्स हैं ना, हर स्टेट के अंदर पब्लिक स्कूल्स हैं और पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, हर स्टेट की अपनी लाइब्रेरी। आप यूएस के किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहां पे आपको एक पब्लिक लाइब्रेरी मिलेगी उस स्टेट की, दैट इज फ्री एंड एक्सेसिबल टू ऑल। कराची के अंदर मुझे नहीं पता ये कहां सेटअप है, डीएचएम में डिफेंस लाइब्रेरी है जो कि सिर्फ डिफेंस वालों के लिए, और बाकी जो कराची में लाइब्रेरीज का हाल है वो बहुत बुरा है। तो यू नो नॉलेज इज समथिंग दैट शुड बी फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन। तो बात सारी इतनी है, सारी जो बात है वो कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि नॉलेज एंड हेल्थ आर टू इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स, टू इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जिसका जो है वो सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मगर मसला ये है कि प्राइवेट सेक्टर इसको मुफ्त में नहीं बेचता, और जिस तादाद में ये अवेलेबल होने चाहिए फॉर एवरीवन उस तादाद में नहीं होते। दैट इज वाई वी से कि बॉस दे आर अंडर कंज्यूम्ड एंड दे आर अंडर प्रोड्यूस्ड। बात यह है आदिति कि वाई आर दे अंडर प्रोड्यूस्ड, दे आर अंडर, लोगों को एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस नहीं पता, लोगों को उनकी सही इंपॉर्टेंस पता होगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना एजुकेशन पे। लोगों को जब एजुकेशन की सही वर्थ और सही वैल्यू पता होगी तो वो इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन पे। और क्योंकि यहां बात खत्म नहीं हुई, पहले सुन लो फिर लिखना, और क्योंकि लोगों को उनकी सही वर्थ पता नहीं होती तो जितनी डिमांड मेरिट गुड्स की होनी चाहिए उतनी नहीं होती, और क्योंकि उतनी डिमांड भी नहीं होती तो फिर उतनी उनकी सप्लाई भी नहीं होती। तो प्रोड्यूसर भी मेरिट गुड्स उतने प्रोड्यूस करते हैं जितनी मार्केट में उनकी डिमांड है, एंड दैट इज वाई वी से दे आर अंडर प्रोड्यूस्ड या अंडर प्रोवाइडेड बाय द फर्म्स एंड द प्राइवेट सेक्टर। हाउ मच शुड दे बी प्रोवाइडेड, दे शुड बी प्रोवाइडेड टू एन एक्सटेंट दैट इज अप टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल। एंड व्हाट इज द सोशली ऑप्टिमम लेवल, द सोशली ऑप्टिमम लेवल इज द ऑप्टिमम लेवल वेयर वी से कि यस इन दिस इकोनॉमी मेरिट गुड्स आर प्रोवाइडेड इन सच अ क्वांटिटी दैट एवरीवन इन द सोसाइटी इज बेनिफिटिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट, जहां पे हमारी कोई कंप्लेन ना हो कि सोसाइटी जो है इट इज नॉट एबल टू जनरेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम हेल्थ केयर एंड एजुकेशन बिकॉज ऑफ बीइंग अंडर प्रोवाइडेड। आ रही है बात समझ में? So this is the concept that merit goods are under-provided, under-consumed because consumers do not realize the true value or the real worth of education and healthcare in investing on education and healthcare. हमारे पास, हम healthcare का मतलब खाली बीमारी का इलाज नहीं, healthcare का मतलब आप क्या खा रहे हैं। पाकिस्तानी और देसी लोग तो आपको पता है खाने किस तरह खाते हैं, बिरयानी जब तक तेल वाली बिरयानी हो उसमें आलू हो बड़ा सा
और जब तक मीठा नहीं होगा ना खाने के बाद तो हमारा तो गुजारा नहीं है। मीठे भी पकते हैं और अजीब, हमारा तो कल्चर ही अलग है ना, तो फिर हमारे उसके अंदर हार्ट डिजीजेज और कोलेस्ट्रॉल और शुगर के मसाइल जो है वो बहुत है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे मुल्क की इसलिए कम है बिकॉज ऑफ, देखें लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 55 एवरेज आदमी जो है वो 55 तक जी रहा है। और मैं आपको बताऊं, अब आप मेरी बहन डॉक्टर है, ज़ियाउद्दीन से ग्रेजुएट हुई है, वो बाहर जा रही है, उसके तीनों पेपर्स भी क्लियर हो गए बाहर, उनके मेरी अम्मी भी डॉक्टर है, तो वो मेरी पूरी पूरी बेसिकली ज़ियाउद्दीन जो मुझे नहीं बनना था ना डॉक्टर तो बेसिकली तो मैं बताऊं, मेरे कल मेरी बहन ने केस उतार दी, 31 ईयर ओल्ड लड़का, बैचलर्स, उसकी अभी शादी हुई थी, एकदम से बैठे बैठे हार्ट फेल हो गया उसका। ना वो स्मोकिंग करता है यार, वो बंदा ना स्मोकिंग करता है, ना कभी ड्रग्स, ना कभी अल्कोहल, कुछ, बैठे बैठे हार्ट अटैक, फेल, हार्ट फेल हो गया, मर गया। हाँ, तो क्यों? क्योंकि क्यों? क्लाइमेट चेंज। देखो खुराक, हम क्या खा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द कितनी इम्प्योरिटी है, सही है, कितनी कितनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाए पाकिस्तान के, तो वहां तो लोग जो है वो उसका पानी पी जाते हैं, अबशार का पानी पी जाते हैं, उतना हेल्दी होता है वहां लोगों के जो है, लोग बूढ़े नहीं होते वहां पे भाई, वहां लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं होते। तो मतलब कहने का मकसद है कि क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है शहरियों की, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दैट इज वेयर वी आर लिविंग इन, तो बात सारी इतनी है कि दैट इज वाई वी डू नॉट फोकस ऑन आर हेल्थ। हमारे लिए हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, हमारे लिए पैसा बनाना प्रायोरिटी है, भले हेल्थ सेक्रीफाइस हो जाए। लोग पूरा पूरा दिन जॉब करते रहते हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस वो नहीं करते, उनको फर्क नहीं पड़ता कि यार हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, दे जस्ट वॉन्ट टू अर्न मनी एंड टेक केयर ऑफ द फैमिलीज विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि अगर 5 या 10 साल बाद अगर उनको कुछ हो गया तो इनडायरेक्टली उनकी फैमिली इफेक्ट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, तो जितना ज्यादा इसको इस पे फोकस किया जाए उतना कम है। जितना मेरिट गुड्स पे फोकस किया जाए, इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया, इन्वेस्ट करने पे फोकस किया जाए मेरिट गुड्स पे, उतना कम है। तो बात सारी इतनी है कि सिंस वी डू नॉट रियलाइज द ट्रू वैल्यू, दैट इज व्हाई दे आर अंडर प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। दूसरी भी एक ये चीज है, मेरिट गुड्स की कंजम्पशन इसलिए भी कम है बिकॉज दीज मेरिट गुड्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर जब इनको बना के बेचता है तो वो एक्सपेंसिव इनको सेल करता है, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसलिए देर विल बी नो पब्लिक स्कूल्स, देर विल बी नो पब्लिक हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। तो क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी ही नहीं, होगी नहीं ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी तो क्या होगा, मेरिट गुड्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा, अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती ना तो फिर प्राइवेट सेक्टर एक सर्टेन एक्सटेंट तक प्रोवाइड कर रहा होता, और साथ में दूसरा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा होता, स्टेट दे रही होती, गवर्नमेंट दे रही होती, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करके। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी तो गवर्नमेंट नहीं है ना, गवर्नमेंट ने हाथ पीछे कर लिया, गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट सेक्टर का काम है बिजनेस चलाना, बिजनेस चलाए प्राइवेट सेक्टर को, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे इनटू मेरिट गुड्स, लेट द प्राइवेट सेक्टर डू इट। एंड दैट इज व्हाई द कंप्लेन बाय द सोसाइटी, द कंप्लेन बाय द सोसाइटी इज कि दीज मेरिट गुड्स आर अंडर प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ मार्केट फेलियर, वे वी से कि मार्केट्स आर इनएफिशिएंटली एलोकेटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाकी का मार्केट फेलियर हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। आई थिंक आज के लिए काफी है ना।